Subscribe to the Indian Reporter and press the bell icon. आज हम बात करेंगे महाशय धर्मपाल गुलाटी के बारे में, जो दादाजी, महाशय जी, मसाला किंग, किंग ऑफ स्पाइसेस जैसे उपनामों से काफी मशहूर हैं। उनका जन्म 27 मार्च 1923 को हुआ था। उनका पालन पोषण पाकिस्तान के सियालकोट शहर में हुआ था। धर्मपाल के पिता का नाम महाशय चुन्नीलाल गुलाटी है और उनकी माँ का नाम माता चनन देवी है। उनके भाइयों का नाम सतपाल गुलाटी और धर्मवीर गुलाटी है। धर्मपाल गुलाटी की पत्नी का नाम लीलावती है। उनके बेटे का नाम संजीव गुलाटी है। अगर बात करें उनकी हॉबीज की, तो उन्हें योगा करना, रेसलिंग, काइट फ्लाइंग और पिजन फेंसिंग बहुत पसंद है। तो चलिए अब बात करते हैं उनके करियर के बारे में। उनका जन्म पाकिस्तान के एक मिडिल क्लास पंजाबी जॉइंट फैमिली में हुआ था, जहां उनके पिता 1919 से महाशय दी हट्टी नामक एक दुकान से मसाले बेचने का कार्य करते थे। धर्मपाल का परिवार धार्मिक विचारों वाला था और वे आर्य समाज के अनुयायी थे। धर्मपाल का पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, जबकि उनके पिता चाहते थे कि वह खूब पढ़े, लेकिन ये बात उनके पिता समझ चुके थे कि धर्मपाल का मन अब आगे पढ़ने का नहीं है। जैसे तैसे उन्होंने चौथी कक्षा पास की और 1933 में उन्होंने पांचवी कक्षा की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और घर पर बैठ गए। अपने पुत्र के इस तरह पढ़ाई छोड़ देने से उनके पिता पहले तो बहुत दुखी हुए, लेकिन बाद में उन्होंने उन्हें कुछ व्यवसाय सिखाने की ठानी, ताकि वे कम से कम अपने पैरों पर खड़े होने लायक बन सके। उनके पिता ने उन्हें लकड़ी का काम सीखने के लिए एक कारपेंटर के पास भेजा। 8 महीनों तक वहाँ लकड़ी का काम सीखने के बाद धर्मपाल ने वहाँ जाना बंद कर दिया, क्योंकि उन्हें कारपेंटरी रास नहीं आई, जिसके बाद उन्होंने साबुन फैक्ट्री, चावल फैक्ट्री, कपड़े की फैक्ट्री में भी काम किया, लेकिन वे किसी भी काम में टिक नहीं पाए। 15 वर्ष की उम्र तक वह 50 से भी ज्यादा काम कर चुके थे। जब धर्मपाल का मन कहीं नहीं लगा, तो उनके पिता ने इन्हें पुश्तैनी कारोबार में लगा दिया। 7 सितंबर 1947 को भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद वह अपने परिवार के साथ पाकिस्तान से भारत चले गए और अमृतसर में एक शरणार्थी शिविर में पहुंचे। बाद में वह अपने बहनोई के साथ काम की तलाश में दिल्ली आए। दिल्ली में वे शुरू में करोल बाग में अपनी भतीजी के घर पर रहा करते थे, जहां ना तो पानी की आपूर्ति थी, ना बिजली थी और ना ही शौचालय की कोई सुविधा थी। जब वह दिल्ली आए, तब उनके पिता ने उन्हें 1500 रुपए दिए, जिसमें से धर्मपाल गुलाटी ने 650 रुपए का तांगा खरीद लिया और कनॉट प्लेस से करोलबाग तक यात्रियों से 2 आने लेने लगे। 10 अक्टूबर 1948 को उन्होंने तांगा बेच दिया और प्राप्त पैसों से लकड़ी का खोका खरीद कर अजमल खान रोड करोलबाग में एक छोटी सी दुकान बनवा ली। उसी दुकान में उन्होंने मसालों का अपना पुश्तैनी धंधा फिर से शुरू कर दिया। अपनी इस दुकान का नाम उन्होंने महाशय दी हट्टी सियालकोट वाले रखा। कभी सियालकोट में अच्छी खासी दुकान चलाने वाले धर्मपाल उस छोटे से खोके पर ही पूरी मेहनत से मसाले कूटने और मिर्च पीसने का कार्य करने लग गए। प्रारंभ में सफलता के बाद उन्होंने 1953 में चांदनी चौक में एक और दुकान किराए पर ली। 1954 में उन्होंने करोल बाग में रूपक स्टोर्स की स्थापना की, जो उस समय दिल्ली में भारत की पहली आधुनिक मसाला स्टोर थी। हालांकि उन्होंने बाद में अपने छोटे भाई सतपाल गुलाटी को रूपक स्टोर्स सौंप दिया था। 1959 में उन्होंने स्वयं की फैक्ट्री स्थापित करने के लिए कीर्ति नगर में जमीन खरीदी, जहां उन्होंने MDH मसालों के साम्राज्य यानी महाशय दी हट्टी लिमिटेड की स्थापना की। वर्तमान में MDH मसाले भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में मसालों की श्रेणी में सबसे बड़े ब्रांडों में से एक के रूप में उभरा है और 95 साल की उम्र पार करने के बाद भी धर्मपाल गुलाटी स्वयं MDH उत्पादों का विज्ञापन करते हैं। आज MDH 100 से अधिक देशों में अपने 60 से अधिक प्रोडक्ट्स की सप्लाई करता है, जैसे कि स्विट्जरलैंड, USA, जापान, कनाडा, यूरोप, साउथ ईस्ट एशिया, UAE एंड सऊदी अरबिया। उनके द्वारा महाशय चुन्नीलाल चैरिटेबल ट्रस्ट चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत 250 बिस्तरों वाला एक अस्पताल और झोपड़पट्टी के निवासियों के लिए एक मोबाइल अस्पताल चलाया जा रहा है। इस ट्रस्ट के द्वारा वित्तीय सहायता भी सामाजिक संगठनों को दी जाती है। उनके द्वारा संदेश पत्रिका भी चलाई जाती है, जो भारत के पारंपरिक पारिवारिक मूल्यों को प्रदर्शित करता है। 2017 में वह फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड सेक्टर में सबसे ज्यादा वेतन पाने वाले
वाले सीईओ थे। उनकी सालाना सैलरी लगभग 21 करोड़ रुपए थी। उन्होंने अपनी आत्मकथा को जारी किया है, जिसमें उन्होंने अपने प्रारंभिक बचपन से लेकर सफलता के पीछे के रहस्य का खुलासा किया है। MDH, MDH, यही असली इंडिया।